हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े को पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके रख दिया है। इसमें से हमने बैक पार्ट पहले निकाल लिया था और बचे हुए कपड़े में से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। हुकाई की पट्टी हम फ्रंट साइड में रखेंगे, यानी कि फ्रंट साइड से इसे हम ओपन बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से नीचे से अनइवन कपड़े को हम बाद में कट करके निकाल देंगे। और यहीं पर हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेते हैं पहले ही। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ हम रख रहे हैं 14 इंच, तो इस लाइन से नीचे की तरफ हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, तो उसके लिए भी हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारी मार्जिन वाली लाइन हो गई है और ये लेंथ वाली। हुकाई की पट्टी हम फ्रंट साइड में रखेंगे, इसलिए हम इस साइड से इसे खुली साइड से ही मार्क कर रहे हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अनइवन कपड़े को हम बाद में कट कर देंगे। और यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन के लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप बैक साइड में हुकाई की पट्टी लगाते हैं तो इस साइड से आप बंद वाला साइड रखें कपड़े का, तो यहाँ पर अनइवन कपड़े को हम कट कर देते हैं। इस ब्लाउज़ के बैक पार्ट में हमने नेक डीप रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने शोल्डर रखा था 5 इंच। यहाँ पर भी हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल हमने रखा था 5.5 इंच। तो जितना हमने बैक पार्ट में रखा फ्रंट पार्ट में भी हमें उतना ही रखना है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट हमारे पास है 34 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास हो गया 8.5 इंच। तो ये हमने 8.5 इंच पर निशान लगा दिया है और अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कमर हमारे पास है 30 इंच, तो इसका चौथा भाग हो गया 7.5 इंच। यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कि हम इसे प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। 2 इंच आगे की तरफ एक और निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हमने मार्क करा और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं, तो उसके लिए भी हम निशान लगा देते हैं और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस पर बस्ट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे, तो 10 इंच पर हमने मार्क करा। फुल बस्ट हमारे पास है 35 इंच, तो इसका 10वां भाग हो गया 3.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है। यहाँ पर भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच हमने कम लिया है नीचे की तरफ से। यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.75 इंच पर ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया और लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर हम आर्म होल की शेप भी ड्रॉ कर देते हैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से। अब हम इसे हाथ से ही प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं। देखिए, हमने इसे प्रिंसेस कट की शेप दे दी है। आप चाहें तो इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी इसे प्रिंसेस कट की शेप दे सकते हैं। तो देखिए, ये हमने फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसे शेप दे दी है। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2 इंच और नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बनाएंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक को हम राउंड शेप देंगे। अब यहाँ से हम इसे 0.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। बैक नेक हमने डीप रखा था, तो इसलिए शोल्डर स्लोप हम 0.5 इंच नेक की तरफ देंगे। ये भी हमने कट कर लिया है और यहाँ से हमें इसे इस तरह से कट करना है। तो यहाँ पर बस्ट पॉइंट पर भी हमने लाइन ड्रॉ करके इसे डार्क कर लिया है। टैक्स पॉइंट पर हमने नॉचेस लगाकर मार्किंग कर ली है। आर्म होल की तरफ से हम इसे हल्का हल्का सा और कट कर देते हैं।
इसमें भी हम इसे हल्का सा कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है, तो मैन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो पहले हमें इसे ऐसे सेट करके रखना है, और जो अस्तर वाला कपड़ा हमने कट करा है उसे हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे, और इसके ऊपर चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे, उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे मैन फैब्रिक का, अस्तर वाला कपड़ा इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सारे पीस पर सिलाई लगा ली है, और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अस्तर वाले कपड़े के बराबर से कट कर लेते हैं। ये वेलवेट के कपड़े का ब्लाउज़ है, तो वेलवेट के कपड़े पर सिलाई लगाते समय थोड़ा कपड़ा इधर उधर सरक जाता है, तो आप मेन फैब्रिक का थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट ही रखें और बाद में उसे इवनली कट कर लें। अब हम इसे स्टिच करेंगे, तो इस तरह से दोनों के टक्स पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पर इस पर सिलाई लगानी है। तो ये हमने एक साइड स्टिच कर लिया है, इसी तरह से हमने दूसरा साइड भी स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर हुकाई की पट्टी बना लेते हैं। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से ही 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हम साइडर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इससे हम हुक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने हुक पट्टी स्टिच कर ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब दूसरे साइड हम आई पट्टी बना लेते हैं। तो आई पट्टी बनाने के लिए हमने मैन फैब्रिक से ही 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हम आई पट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने आई पट्टी भी बना ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर ऐसे बराबर से सेट करके रखेंगे। यहाँ पर फिटिंग वाले साइड हमें बैक पार्ट के बराबर से इस पर निशान लगाना है। बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड हमने मार्क कर लिया है बराबर से, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमें कपड़े की पट्टी स्टिच करके इसे फिनिश करना है, तो उसके लिए हम
सिलाई मार्जिन छोड़ती हुई एक्स्ट्रा फैब्रिक को बराबर से कट कर देंगे। दूसरे साइड भी हमें बराबर से मार्क करना है, तो ऐसे बराबर से रखेंगे इसे और इसके बराबर से निशान लगाएंगे। तो इसमें भी हमें पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। अब हमने अस्तर वाले कपड़े से ही 1.25 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है, तो इससे हम इसके नीचे की तरफ से इसे फिनिशिंग से स्टिच कर लेते हैं। ये हमने नीचे की तरफ से भी इसे फिनिशिंग से स्टिच कर लिया है और फिनिशिंग से हुकाई की पट्टी भी हमने स्टिच कर ली है और इसे बराबर से रख के देखेंगे तो बिल्कुल बराबर से तैयार हो गया है। अब हम इसका गला तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमें उरेब पट्टी कट करनी है, तो अस्तर वाले कपड़े से ही हम उरेब पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पर हम लगभग 1.25 इंच चौड़ी ये पट्टी कट कर रहे हैं, इससे हम गला तैयार कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड से गला भी तैयार कर लिया है, तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।